हेलो फ्रेंड्स, पंकज बैक अगेन विद अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऊप्स के कॉन्सेप्ट को समझा था लेमन टर्म में। बट आज इस वीडियो में और आने वाले जो वीडियोज में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऊप्स को पीएचपी में प्रोग्रामिंग में देखेंगे, किस तरह से हम लोग वो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सो फ्रेंड, सबसे पहले समझते हैं कि क्लास क्या होती है। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप दैट डिफाइंस द वेरिएबल्स एंड द मेथड्स कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सर्टेन काइंड। एक क्लास का एक तरह का ब्लूप्रिंट है या फिर कहें कि प्रोटोटाइप है दैट डिफाइंस, जो कि डिफाइन करता है वेरिएबल्स एंड मेथड्स को। मेथड मीन्स जो फंक्शंस होते हैं क्लास के अंदर, जो फंक्शंस होते हैं उन्हें हम लोग मेथड्स कहते हैं। और वो वेरिएबल्स एंड मेथड्स क्या हैं, कॉमन होते हैं किसी टाइप के ऑब्जेक्ट्स के लिए। कॉमन जो वेरिएबल एंड मेथड्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। इस तरह के जो प्रोटोटाइप या ब्लूप्रिंट को हम लोग क्लास कहते हैं फ्रेंड्स। और हम कह सकते हैं कि क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम टाइप। कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है हमारा डॉग, कैट, लॉयन, जेब्रा, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका क्लास क्या होगा, एनिमल क्लास। सो एक एनिमल क्लास जो हुई उसकी ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है, इन कलेक्शन को लेके हम उसको एनिमल क्लास कहते हैं। उस क्लास का ऑब्जेक्ट डॉग भी हो सकता है, कैट भी हो सकती है, एंड लॉयन, जेब्रा, ये सब ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। एंड इन ऑब्जेक्ट्स के अपने कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि उनका नेम, उनका कलर, ब्रीड क्या है, एंड उसके कुछ बिहेवियर या कहें फंक्शन या मेथड्स भी होंगे। जैसे कि उनका रनिंग का जो मेथड है वो अलग हो सकता है, किस तरह से रन करते हैं, क्या साउंड करेंगे वो, एंड उनका जो खाने का तरीका है वो, ये सब बिहेवियर है। सो इनको हम लोग मेथड्स कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं एक क्लास को डिफाइन करने के लिए जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है। एक क्लास कीवर्ड एंड उसके बाद क्लास का नेम। एंड ये फ्रेंड्स, क्लास का जो नेम है वो एक नेम, जैसे कि हम लोग वेरिएबल के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो नॉमेनक्लेचर्स के रूल होते हैं कि हम लोग अंडरस्कोर या कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी नेम, और वो नेम क्या है, स्पेशल कीवर्ड ना हो हमारे पीएचपी का। सो इस तरह से नेम एंड कर्ली ब्रेसेस में, और इसके अंदर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि विजिबिलिटी के साथ में प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, एंड फिर हम मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर। सो एक ये एक तरह का सिंटैक्स है। अगर हम रियल क्लास की बात करें, सो हमने एक क्लास लिए, क्लास कीवर्ड, एंड देन क्लास का नेम एनिमल, एंड इस एनिमल के कुछ प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। सो पब्लिक नेम इक्वल्स टू डॉग, प्राइवेट कलर ब्लैक हो सकता है, ये प्रॉपर्टीज हैं, एंड जो उसके मेथड है वो गेट कलर। सो ये एक हमने कुछ कोड यहाँ पर लिखा है। अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे किस तरह से ये क्लास वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, हम अपने एडिटर पर आते थे, कोड एडिटर पे, एंड यहाँ पर हमने एक फाइल क्रिएट की है क्लास डॉट पी एच पी, एंड इस फाइल की लोकेशन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देख सकते हैं सी ड्राइव के अंदर जेम्प एस टी डॉक्स, देन हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है ऊप्स, एंड उसके अंदर है क्लास डॉट पी एच पी। सो फ्रेंड्स, इसको यहाँ क्लोज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पी एच पी का ओपनिंग टैग स्टार्ट करते हैं, एंड फ्रेंड्स इसके बाद में डिफाइनिंग अ क्लास, एंड इसके बाद में क्लास कीवर्ड, एंड क्लास का नेम एनिमल, फ्रेंड्स कर्ली ब्रेसेस, एंड इसके बाद में यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिक्लेयर करते हैं। सो पब्लिक डॉलर नेम, एंड नेम क्या हो सकता है, जैक, एंड पब्लिक डॉलर कलर, एंड कलर में फ्रेंड्स यहाँ पर हम दे सकते हैं ब्लैक,
पब्लिक की स्पेलिंग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मिस स्पेल कर दिया इसको। एंड फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पर प्रोटेक्टेड डॉलर ब्रीड एंड फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पर दे सकते हैं बुलडॉग। एंड फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पर हम कुछ फंक्शन को मैं यहाँ पर कमेंट भी देता हूँ, डिक्लेयरिंग प्रॉपर्टीज एंड यहाँ पर डिफाइनिंग मेथड पब्लिक फंक्शन फंक्शन कीवर्ड देन गेट कलर मेथड का नेम हो गया फ्रेंड्स। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको रिटर्न कराएंगे डॉलर दिस एरो ऑपरेटर देन कलर, इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ से रिटर्न करा दिया। सो फ्रेंड्स अभी के लिए आप डॉलर दिस को थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये किस लिए यूज किया है, हम आने वाले वीडियो में इसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि डॉलर दिस और इस प्रॉपर्टी को हमें यहाँ पर इस फंक्शन में एक्सेस करने के लिए इस तरह से इसको एक्सेस किया गया है। यहाँ पर आने वाली वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से डॉलर दिस का क्या वर्क है, क्या करता है वो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि क्लास को किस तरह से डिफाइन करते हैं। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर डिक्लेयरिंग प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की है, फिर यहाँ पर कुछ डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं मैथड के लिए। एंड फ्रेंड्स सो ये हमारा एक तरह से क्लास ही डिफाइन हो सकती है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इस क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं।